तो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑप्टिक्स में हम आपको एक नया टॉपिक बताते हैं आज, कोहरेंस। कोहरेंस या कला संबद्धता। तो ये कोहरेंस दो तरह के हैं और दोनों ही सिलेबस में टॉपिक हैं आपके, टेम्पोरल और स्पेशियल। तो हम पहले कोहरेंस के बारे में बताते हैं थोड़ा, फिर टेम्पोरल स्पेशियल पे आते हैं। तो कला संबद्धता मतलब कला में संबंध, कला में संबंध। संबंध किसमें? दो स्रोत होते हैं ना, दो सोर्स से उत्पन्न या उत्सर्जित तरंग। और यहां तरंग क्या है? प्रकाश। तो दो सोर्स हैं, उनसे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और वो उससे व्यतिकरण होता है। तो उनमें कला में क्या संबंध होता है ये बताएंगे। तो व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों में मैंने आपको पहले बताया था कि व्यतिकरण के लिए जरूरी है, व्यतिकरण को आवश्यक है कि दोनों सोर्स से उत्सर्जित प्रकाश दोनों स्रोत से एमिटेड एमिटेड लाइट लाइट एमिटेड फ्रॉम बोथ सोर्स, दोनों सोर्स से एमिटेड लाइट कला संबंध होनी चाहिए। कला संबंधित होनी चाहिए, नहीं तो व्यतिकरण नहीं होगा। तो कला संबंध स्रोत होते हैं, यानी कि दोनों स्रोतों को कैसा होना चाहिए? कला संबंध स्रोत होना चाहिए, कला संबंध स्रोत होना चाहिए, स्रोत नहीं ऐसे, स्रोत होना चाहिए। तो कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, ये परिभाषा क्या होती है, मैं एक बार इस परिभाषा को आपको लिख देता हूँ वर्ड्स में। तो कोई भी दो प्रकाश स्रोत, कोई भी, एक मिनट, कोई भी दो प्रकाश सोर्स जिनके किसी बिंदु, जिनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश, जिनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंग, के किसी बिंदु पर पहुंचने पर कला में परिवर्तन, कालांतर में परिवर्तन, समय के साथ अपरिवर्तित रहे या परिवर्तित नहीं हो। अर्थात कालांतर नियत रहे, नियत मतलब कांस्टेंट बना रहे, नियत रहे, समय पर निर्भर नहीं करे। कालांतर क्या? तो
उन प्रकाश स्रोतों को कला संबंध सोर्स कहते हैं। तो ऐसे प्रकाश स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहते हैं। और इनसे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है वो कला संबंधित प्रकाश होता है। तो ये डेफिनेशन है हमारे कला संबंध सोर्स की। तो हमने आप में इसमें क्या बताया कि दो सोर्स होने चाहिए और उनसे उत्सर्जित प्रकाश में जो कला है उसमें अंतर समय पर निर्भर नहीं करे। तो फेस डिफरेंस डजंट डिपेंड ऑन टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फेस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बिटवीन टू लाइट वेव। तो अब मैं देखिए आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और जैसे ये हम वो दो सोर्स लेते थे S1 और ये S2, और यहाँ से मान लीजिए ये प्रकाश यहाँ पर P पर पहुंच रहा है। यही हम व्यतिकरण में यही पढ़ते थे, और हम बताया ना। तो यहाँ से जो प्रकाश आता है पहली तरंग है, तो पहली तरंग का मैंने बताया था इस समीकरण बताया था y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये आयाम है और ये देखिए ये कला है, ये कला है। और दूसरा तरंग बी साइन के एक्स ने के आर वन बताया था यहाँ पर। क्या बताया था? के आर वन ओमेगा टी माइनस के आर टू। देखिए दोनों में टी समान है, मतलब यहाँ पर एक ही समय पहुंच रही है प्रकाश की तरंगें। टी समान है और आर वन आर टू अलग है, आर अलग है। तो ये जो कला है ये देखिए एक ही समय पहुंच रही है। तो कला क्या हो गई? एक की कला तो हो गई ओमेगा टी माइनस के आर वन, और दूसरे की कला हो गई ओमेगा टी माइनस के आर टू। इन दोनों में अंतर, कलांतर क्या हो गया? के एक में से दूसरा घटा दे, आर टू माइनस आर वन। तो ये कलांतर है, ये समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तरंगे S1 से P तक जाती हैं या S2 से P तक जाती है तो कला में तो परिवर्तन निरंतर होता है। S1 से P तक तरंग जाती है और S2 से P तक तरंग जाती है, तो कला में परिवर्तन कंटिन्यूअस होता रहता है। कैसा होता रहता है? कंटिन्यूअस होता है। के आर वन ओमेगा टी माइनस के आर वन लगातार बदलता जाएगा, क्योंकि टी बदलता जा रहा है ना। देखिए यहाँ पर सब चीजें कांस्टेंट हैं, टी बदलता जा रहा है समय के साथ। सतत होता है समय के साथ। ऐसे ही ओमेगा टी माइनस के आर टू ये भी बदलता है, लेकिन इन दोनों का अंतर नहीं बदलेगा। मतलब जितना परिवर्तन एक की कला में होगा उतना ही परिवर्तन दूसरे की कला में हो जाएगा। जितना परिवर्तन पहली तरंग की कला में होगा समान परिवर्तन दूसरी तरंग की कला में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाहिए। अगर पहली तरंग की कला
मान लीजिए किसी कोण से बदल जाती है, 80 डिग्री से बदल जाती है, तो दूसरी भी 80 से बदल जाएगी, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, शून्य हो जाएगा। अतः समय पर, समय के साथ कालांतर शून्य हो जाएगा। अतः कालांतर क्या हो जाएगा, कालांतर मतलब कला में परिवर्तन, परिवर्तन दोनों में परिवर्तन शून्य होगा। तो ऐसे सोर्स कालांतर सोर्स कहलाते हैं। तो एलियन में कला में तो परिवर्तन होता है। अब जैसे ये दो तरंगे मैं फिर बता देता हूँ आपको, वही चित्र। पहली तरंग तो ऐसे जा रही है, पहली तरंग तो मान लीजिए ऐसे जा रही है, और यहाँ पर ये पहुंच रही है 90 डिग्री कला में। कितने डिग्री, ये तो 0 डिग्री हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। और दूसरी तरंग जो ऐसे जा रही है, ये पहुंच रही है 0 डिग्री कला में। ये तो कितने डिग्री कला में पहुंच रही है, देखिए ये कला यहाँ से होती है ना, ये 90 डिग्री कला में है, और ये 0 डिग्री कला में है। यहाँ से स्टार्ट होगी ये, इस पॉइंट से। तो ये 90 डिग्री कला में है, ये 0 डिग्री कला में है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, 90 डिग्री का अंतर हो गया। अब समय के साथ क्या होगा, ये 90 के 180 हो जाएगी, तो 0 से 90 हो जाएगी, तो अंतर वही 90 रहा। तो इस तरह ये समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। तो ये कालांतर समया, ये कला संबंध प्रकाश हुआ ये दोनों। और ऐसे सोर्स होंगे वो कला संबंध सोर्स होंगे। तो ये मैंने आपको कला संबंध सोर्स के बारे में बताने की कोशिश की। अब मैं आपको बताता हूँ, कला संबंधता 2 प्रकार की होती है। कला संबंधता 2 प्रकार की होती है। पहली कालिक संबद्धता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये एग्जाम में आता है। और दूसरी स्थानिक संबद्धता। कौन सी, स्थानिक संबद्धता, टेम्परल कोहरेंस। और ये स्पेशियल कोहेरेंस। तो टेम्परल मतलब टाइम से रिलेटेड, टेम्पोरल मतलब कालिक मतलब काल या समय से रिलेटेड, स्थानिक मतलब स्थान किससे, स्थान या स्पेस से रिलेटेड। दो तरह की होती है। तो मैं आपको पहले कालिक संबद्धता, टेम्पोरल कोहेरेंस बताता हूँ। टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होती है, देखिए प्रकाश के बारे में हम देखते हैं। देखिए प्रकाश क्या होती है, कोई भी दो तरंगे जो कंटिन्यूअस या सतत होती हैं, वो हमेशा कला संबंध होती हैं। कोई भी दो तरंगे जो कंटिन्यूअस सतत रूप से होती है, हमेशा कैसी होती है, कला संबंध होती है। एक में जितना परिवर्तन होता है कला में, उतना ही दूसरे में हो जाता है। तो उस बिंदु पर वो हमेशा कला में कला संबंध रहेंगी। प्रकाश के साथ दिक्कत क्या है, प्रकाश सतत तरंग नहीं है, या कंटिन्यूअस वेव नहीं है। तो प्रकाश कैसी तरंग है ये देखते हैं। देखिए जब सतत नहीं है तो असतत है, डिसकंटिन्यू है। तो डिसकंटिन्यू है तो कैसी है, इस तरह देखते हैं। तो वो कोहेरेंस क्यों नहीं होता प्रकाश, कि दो कोई भी स्वतंत्र तरंगे होती हैं वो कोहेरेंस नहीं होती। तो क्यों नहीं होती, कोई भी टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स से निकली हुई लाइट है वो कोहेरेंस नहीं होती। तो
इसके लिए हम प्रकाश की थोड़ा एमिशन ऑफ लाइट देखते हैं। क्या देखते हैं? एमिशन ऑफ लाइट। लाइट कैसे उत्पन्न होती है या सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट में देखिए, प्रकाश हमेशा क्यों उत्सर्जित होता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों के एक्सटर्नल एनर्जी लेवल या बाह्य ऊर्जा स्तर, कौन से है? खाली ऊर्जा, खाली स्तर, बाह्य ऊर्जा स्तर। मतलब ये नाभिक होती है ना, न्यूक्लियस, पढ़ा होगा आपने, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, दो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरी में 18 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पहली में 2, तो ये सब इलेक्ट्रॉन, इनका ट्रांजिशन होता है निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन, जैसे निम्न ऊर्जा स्तर, ये निम्न ऊर्जा स्तर मान लीजिए n=1 मान लेता हूं मैं, यहां से इलेक्ट्रॉन खाली ऊर्जा स्तर में जाता है। और खाली ऊर्जा स्तर में थोड़े टाइम 10^-8 सेकंड के लिए रुक करके वापस लौटता है। तो जाता तो पता नहीं किस तरह जाता, किसी तरह भी ऊर्जा ग्रहण करके जा सकता है, लेकिन जब लौट करके आता है ये, तो ये ऊर्जा दोनों के अंतरों के बराबर जो ऊर्जा होती है ना, उसका उत्सर्जन करता होता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन करता है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करता है, और ये जो एनर्जी होती है ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव। देखिए संचरण होता है तो लाइट वेव, जो लाइट न्यूक्लियर होते हैं ना, ये पदार्थ ये होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, लाइट न्यूक्लियस, हाइड्रोजन वगैरह पढ़ा होगा अपन ने, बामर सीरीज, पाश्चन, लाइमन। लाइमन तो देखिए ये अल्ट्रावायलेट में होती है, लाइट नहीं होती है। ये बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, ये पढ़ा है ना आपने सब, ये सब क्या है? लाइट की तरंगे हैं, ये जो ऊपर से नीचे आती हैं। तो ऐसे ही प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो लेकिन ये हमने आपको बताया कि ये प्रकाश जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो जितने वक्त के लिए इलेक्ट्रॉन आता है उतने वक्त के लिए एनर्जी एमिट होती है। तो ये 10^-8 संक्रमण में कितना लगे लगता है? संक्रमण काल होता है ये भी 10^-8 सेकंड। तो प्रकाश की एक जो तरंग है ना, जब ऊपर था तब स्टार्ट हुई और नीचे आया तब प्रकाश उत्सर्जन हुआ, और जब ये नीचे आ गया, यहां आ गया, तो उत्सर्जन खत्म है। तो सिर्फ लाइट है जो 10^5 उत्सर्जित होती है। लाइट इज एमिटेड ओनली फॉर 10^-8 सेकेंड ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। फिर क्या होगा? देखिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो भी एमिट करेगा, तो एक साथ साइमल्टेनियसली मिलियंस इलेक्ट्रॉन, कितने मिलियंस इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते रहते हैं। तो इतने सारे हमको ये लाइट की तरंगे मिलती हैं। तो ये लाइट की देखिए तरंगे कितनी देर के लिए मिलती है? 10^-8 सेकंड के लिए लाइट वेव मिलती है एक इलेक्ट्रॉन से। तो
तो ये क्या है, तरंगने होकर के हम इसको कहेंगे एक टुकड़ा है तरंग का, है पार्ट ऑफ वेव, जो सिर्फ 10^-8 सेकंड के लिए, ये तरंग है ये 10^-8 सेकंड के लिए मिलती है। कितने सेकंड के लिए? लेकिन हम तो कंटिन्यूस लाइट देखते हैं ना, तो वो क्यों है? क्योंकि मिलियंस इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली एक साथ करते रहते हैं, तो हमारे को ऐसा लगता है लाइट कंटिन्यूस आ रही है, लेकिन सही मायनों में लाइट 10^-8 सेकंड के लिए होती है एक। इसे हम तरंग स्पंद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तरंग ने बोल के, तरंग स्पंद या वेव ने कह करके वेव ट्रेन कहते हैं। वेव ट्रेन होती है, तो वेव ट्रेन की फॉर्म होती है। तो हमारे साथ जैसे लाइट इधर से एमिट हो रही है, छोटी छोटी वेव्स होती हैं। ये फिर ये बीच में मान लो एक इलेक्ट्रॉन हो रहा था, फिर गैप पड़ गया। साथ में लाखों इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं, तो ऐसे ऐसे ये और इलेक्ट्रॉन है, ये सब है ना, ये वेव, ये मिल करके ये एक एक वेव ट्रेन है। और ये वेव ट्रेन कितने सेकंड के लिए होती है? 10^-8 सेकंड के लिए होती है। और कितनी दूरी में चलती है? तो देखिए दूरी क्या होती है, दूरी बराबर देखिए समय गुना वेग। तो ये कितने सेकंड के लिए होती है? 10^-8 सेकंड के लिए। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3×10^8 m/s। तो ये कितना हो गया? 3 m। 3 3 m के अप्रोक्सीमेटली ये ट्रेन होती है जो लाइट निकलती रहती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल आगे बताएंगे। ठीक है।